हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 5 दिसंबर और आज ही के दिन नेल्सन मंडेला का निधन हुआ था। तो आज हम लोग नेल्सन मंडेला जीवनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। देखते हैं नेल्सन मंडेला की जीवनी को। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के प्रथम श्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उसके जो सशस्त्र गुट थे जिसको उमखोतो वे सीजवे के नाम से जाना जाता था, उसके वे अध्यक्ष थे। ये साउथ अफ्रीका में रंगभेद जो था वो अपने चरम सीमा पर था। गांधी जी इसके अगेंस्ट में जाकर के वहां पर उन्होंने वर्क किया था और वहां पर भी उनको रंगभेद का सामना करना पड़ा था। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है। मंडेला का जो जन्म हुआ था वो 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका में हुआ था और मंडेला की जो माँ थी उनका नाम नोस्केनी था। और मंडेला जो थे वो अपने पिता के 3 संतान थे। उनके 13 भाइयों में से वे जो है वो तीसरे नंबर पे आते थे। मंडेला के पिता का नाम जो था वो हेनरी मम्बेजो था, ठीक है, और वे कस्बे के जनजातीय सरदार हुआ करते थे जिस कस्बे में ये रहते थे। उनके पिता ने उन्हें रोहिल्लाहा प्रथम नाम दिया था और इसका जो अर्थ होता है, जिसको खोजा में इसको अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब उपद्रवी होता है। मंडेला जो थे वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल में पूरी की थी। बाद में उनकी जो शिक्षा थी वो मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल में पूरी हुई। और मंडेला जब 12 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए जहां उनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलू और वाल्टर एल्बर्ट स्टाइन से हुई थी। उन दोनों ने राजनीतिक रूप से मंडेला को बहुत प्रभावित किया था। इसलिए प्रभावित किया था क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है कंडीशन रंगभेद का बहुत खतरनाक हो गया हुआ था और इनका आइडियोलॉजी उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ करता था। जीवनयापन के लिए कानूनी फॉर्म में जो है वो कलर्ट बन गए मंडेला, परंतु धीरे धीरे उनकी जो सक्रियता थी वो राजनीति की तरफ बढ़ते चली गई। इसके बाद रंग के आधार पर होने वाले जो भेदभाव थे उसको दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1944 में वे जो है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है, जिसमें रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था क्योंकि रंगभेद जो था उसके अगेंस्ट में जो है मंडेला का आइडियोलॉजी हुआ करता था। 5 अगस्त 1962 को उन्होंने जो है वो मजदूर को उकसाने के लिए उनको जेल में रख दिया गया और बिना अनुमति के उनको देश छोड़ने के लिए उनपे जो है वो गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया और फाइनली उनको गिरफ्तार किया भी गया। और 12 जुलाई 1946 को जो है 1964 को उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन जीवन के 27 वर्ष कारागार में जब वो बिताए, अंत में 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई कर दी गई क्योंकि कंडीशन सभी को पता हो गया था कि हम अगर रंग भेद करेंगे बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे कानून बनाए जाते थे जो कि गोरों के लिए अलग होता था और कालों के लिए अलग होता था वहां पर। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि चेंजेस किए गए और इक्वल लाया गया सभी चीजों को और ये उनका सेक्रीफाइस नहीं था क्योंकि मंडेला को लोग बहुत चाहते थे। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुआ था जहां पर इनको इक्वल जो है वो वोटिंग करने का पावर दिया गया और इस तरीके से वो वोट कास्ट कर सकते थे साउथ अफ्रीका में। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किया था और बहुमत के साथ उसकी सरकार बनी हुई थी। और यही वो समय था 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने हुए थे क्योंकि इनका सेक्रीफाइस था अपने देश के लिए। 5 दिसंबर 2013 को फेफड़े में संक्रमण होने के कारण मंडेला का जो है वो जोहान्सबर्ग में मृत्यु हो गया था। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनका उम्र जो था वो 95 वर्ष था। लेकिन मंडेला ने अपने जिंदगी में बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं और उस सम्मान में भारत के द्वारा भी उनको बहुत कुछ दिया गया। लेकिन पहले 1933 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया, ऑर्डर ऑफ लेनिन दिया गया, भारत रत्न भी उनको दिया गया है, निशान ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया हुआ था उनको, और 30 जुलाई 2008 को उनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। ये था नेल्सन मंडेला की जीवनी। अगर आपको लगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके नॉलेज को कहीं ना कहीं बूस्टअप किया, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। ये था नेल्सन मंडेला की जीवनी। नेक्स्ट डे हम लोग किसी नए व्यक्ति की जीवनी को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।